हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा उपविषय है साक्षरता। लेक्चर नंबर 19 में आज हम साक्षरता के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है साक्षरता। साक्षरता का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ दी हुई है। देखिए, सामान्य रूप से पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर जो होता है वो साक्षरता कहलाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में जाने, जनांकी के भाषा में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में एक छोटे तथा सरल कथन को समझकर आसानी से पढ़ और लिख सकते हों, वह स्थिति साक्षर कहलाएगी। ठीक है, आगे, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति साक्षर व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, उनको साक्षरता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार एक परिभाषा दी है, आपकी परिभाषा भी जरूरी है। देखें, साक्षर वह व्यक्ति है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का हो और जो किसी भी भाषा में साधारण संदेश को आसानी से पढ़ सके और लिख सके तथा उसको समझ सके। वास्तव में वही व्यक्ति साक्षर कहलाने के योग्य होता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार क्या परिभाषा दी हुई है। देखिए, 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है आसानी से और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है, ऐसा व्यक्ति साक्षर कहलाता है। इस तरह से ये दो आपकी परिभाषा दी हुई है। परिभाषा से इसको जो है परिभाषित आप साक्षरता को कर सकते हैं। अगर हम दर की बात करते हैं तो साक्षरता जो दर है, देखिए देखें, कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाती है। इसको ज्ञात करने की जो विधि है क्या है, अशोधित साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 100। ठीक है, इस तरह से सूत्र के माध्यम से हम साक्षरता किसी भी क्षेत्र की किसी भी देश की आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका महत्व भी जानना जरूरी है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का एक सूचक होती है। जिस क्षेत्र या जिस प्रदेश में जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे, ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र का या उस प्रदेश का उतना ही तीव्र गति से विकास हो सकता है। एक दूसरा है, शिक्षा के अभाव में मानव संसाधन का विकास असंभव है। देखिए, शिक्षा के बिना हम किसी प्रकार के संसाधन का अगर प्रयोग करते हैं तो गलत तरीके से करते रहते हैं, जिससे हमें पूर्ण विकास की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए शिक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक है आपका तीसरा, निरक्षरता और पिछड़ापन एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए, निरक्षरता यानी असाक्षरता और पिछड़ापन एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे से वे जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों, साक्षरता और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि फिर मैं वही कहूँगा, जहाँ जिस क्षेत्र में साक्षरता अच्छी है वहाँ उस क्षेत्र का विकास भी अच्छा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से आज आपको साक्षरता के बारे में बताया गया है। कल इसके आगे जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।